into 24. Okay, 12 into 24 house plan. So 12 feet into 24 feet. 288 square feet. ओके इसमें हम क्या प्लान दिखाएंगे, देखिए इसमें 12 24 ओके इधर जो है से रहेगा, उसके बाद इधर से हम रखेंगे ऐसे। तो इसमें 12 इंटू 24 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 12 फीट, ये 24 फीट। ओके और इसमें हम रखेंगे इसका जो वॉल है पहले उसको हम रखेंगे साइड में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका प्लान। तो चलिए पहले हम ऐसे रखते हैं इसका वॉल, आउटर वॉल से, उसके बाद यहाँ पर रहेगा आउटर वॉल ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिल्डिंग प्लान को तैयार करेंगे। तो क्या क्या है इसमें, देखिए पहले हम इधर से लेंगे कुछ जगह, हम इधर से ऐसे करके लेंगे, उसके बाद हम इधर से भी ऐसे लेंगे, ओके ऐसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर इसका जो है ऐसे लेंगे इधर से, उसके बाद हम इधर से भी लेंगे, लेना है मुझे इतना तक, ओके इधर से इतना तक ऐसे ओपन रखना है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इधर से एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे 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 तो ऐसे। तो इसमें क्या क्या चीज़ रखेंगे, देखिए ऐसे रखेंगे से रखेंगे ऐसे से रखेंगे ऐसे रखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम इधर रखेंगे ऐसे इधर ऐसे, उसके बाद हम कुछ छोड़ देंगे ऐसे, उसके बाद इधर ऐसे रखेंगे। हो गया हमारा बिल्डिंग प्लान का डिटेल्स, सदा हम इसका डोर जो है इसका हम इधर रखेंगे डोर, और इधर रखेंगे एक डोर, ओके और इधर हम ऐसे रखेंगे डोर, और उसके बाद जो है घर के अंदर जाने का जो मेन डोर इधर से हम रखेंगे ऐसे, ओके तो ऐसे हम रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा हॉल का जो पार्ट है हो गया, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे आपको, अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका वेंटिलेशन, विंडो का वेंटिलेशन यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसका जो है एंट्रेंस इधर से जाएगा घर के अंदर, इधर एक ड्राइंग और डाइनिंग रहेगा टाइप का, ठीक है। यहाँ पर डोर रहेगा किचन, ओपन किचन, तो इधर रखेंगे 4 फीट और इधर रखेंगे 8 फीट,
10 इंच, 8 फीट 10 इंच, और इधर जो है 6 फीट 9 इंच, इधर 8 फीट 10 इंच। इसका यहाँ पर बेडरूम टोटल डिस्टेंस 11 फीट 2 इंच दिस लेंथ, और इधर जो लेंथ है 9 फीट 6 इंच। इधर ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का पार्ट इधर 4 फीट का, और इधर 4 फीट। उसके बाद इधर टॉयलेट एंड बाथ दोनों एक साथ 6 फीट 9 इंच, और इधर रहेगा 4 फीट। ऐसे करके हम इस प्लान को यहाँ पर रखा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो कॉलम का पार्ट है हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद इधर एक आएगा, तो इधर जो पार्ट है देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो 6 नंबर कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट है 4 लाख यहाँ पर, और कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर कॉलम यहाँ पर लगेगा। और एक बात, जो बात यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया, जो स्टेयर कहाँ पर है इसका बिल्डिंग का, ठीक है, तो स्टेयर हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इसका जो पोजीशन है, अभी स्टेयर रखने का अंदर में जगह नहीं है, तो हम साइड से स्टेयर रख सकते हैं। कहाँ पर, कहाँ से, आप जो ये जो जगह आप देख रहे हैं इधर, आप इधर से ऐसे करके साइड से आप स्टेयर, इसका स्टेयर ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जो पॉसिबल जगह है, इधर आप एक लैंडिंग रख सकते हैं, ओके, इधर एक आप लैंडिंग रखिए। तो आपको इधर से स्टार्ट करना है स्टेयर ऐसे, ओके, ऐसे आपको स्टेयर स्टार्ट करना है इधर से, और इधर भी आपको स्टेयर रखना है ऐसे। ऊपर आने के बाद आप इधर चलाएंगे, ठीक है, इधर से आप अंदर जा सकते हैं। तो इसमें देखिए स्टेयर का ऑप्शन नहीं है, इसलिए छोटा जगह है 288 स्क्वायर फीट। तो कॉलम साइज़ कितना देना है आपको, कॉलम साइज 6 नंबर कॉलम है, कॉलम साइज आपको 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम रखना है इधर, ठीक है। और इसमें जो है 6 नंबर्स कॉलम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। फाउंडेशन की साइज़ आप दीजिए, फाउंडेशन साइज़ कितना देना है आपको, तो इधर आप दीजिए 4 फीट बाई 4 फीट का फाउंडेशन दीजिए, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो इधर इसका प्लान अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।